कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम राधे राधे। हरे राम राम राम
पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए, कद उसका पीछे चार कारण बताए, कद उसमें दो मुख्य है और दो गौण है। कहते जो गौण में जो गौण कारण था साधारण कारण से जो साधारण कारण है, कलिजुग का जो युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन, उन्होंने कलिजुग में ये हरिनाम संकीर्तन को जगत में प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए। केवल भारत नहीं संपूर्ण विश्व में है, संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का जो नाम है अभी भी गूंज रहा है। ये एक साधारण कारण, लेकिन साधारण कारण में जो मुख्य है तो उसको के लिए कहते हैं बोले अनर्पित चरि चिराग करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर दूती कदंब संदीपित सदा हृदय कंदरे सुरतूब सचिनंदन। कहते श्री रूप गोस्वामी ये श्लोक को उच्चारण करते हैं बोले अनर्पित चरिंग चिरात। कहते जो प्रेम को चिरात मतलब क्या है, कहते ऐसे नहीं जो कभी नहीं दिया गया लेकिन दिया गया है, लेकिन चिरात चिरात मतलब चिरकालम व्याप्या, बड़ी दी गई थी लेकिन बड़े दिन पहले दी गई थी। बोले कब दी गई थी, बोले ब्रह्मा का एक दिन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में आते हैं, इन्होंने दिया तो ये प्रेम है लेकिन महाप्रभु का एक दिन पहले उन्होंने ये प्रेम को दिया था। बोले कितना दिन पहले, एक दिन कितना है, बोले 1000 पहले ये प्रेम को उन्होंने दिया था। इसलिए बोले चिरात बोले अनर्पित पूर्वम, इसलिए जो प्रेम को उन्होंने नहीं दिया था बड़े, कहते वो प्रेम क्या है, बोले उन्नत उज्ज्वल रसांग। कहते जो उन्नत उज्ज्वल रस, कहते वो क्या भैया, बोले उन्नत संबंधित उज्ज्वल रस श्रृंगार रस जस्यांगतांग। बोले ये उन्नत उज्ज्वल रस क्या है, बोले ये श्रृंगार रस है। इसलिए आद्य एव परो रस, श्रृंगार रस को क्या बताया, ये आदि रस है, ये मूल रस है, ये श्रृंगार रस है। बोले श्रृंगार रस मतलब है रस पांच तरह का है, रस तो वैसे 12 तरह का है, बोले पांच मुख्य रस और 7 गौण रस। सात जो पांच जो मुख्य रस में शांत दास्य सख्य वात्सल्य और ये मधुर, कहते ये पंच मुख्य रसों से भगवान की उपासना भक्त पांच तरह से करते हैं। लेकिन जो पांच सर्वश्रेष्ठ रस है और उन्नत उज्ज्वल जो रस है, कहते ये क्या रस है, मतलब ब्रज गोपियों ने जिस रस को द्वारा उन्होंने उपासना किया है। बोले शांत रस में केवल एक ही रस है जो निष्ठा है, शांत रस में जो उसका गुण निष्ठा है। बोले कौन कौन है शांत रस में भक्ति करने वाले, बोले जैसे ब्रज में जैसे गैया है, जैसे उनकी बेणु है, जैसे ये वृक्ष है, कहते ये सब के सब शांत रस। शांत रस मतलब होता है जब इनको कुछ करवाए तब वो करते हैं, वो अपने आप नहीं करते हैं। जैसे बंसुरी है, कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं तब ये बंसुरी बजती है, नहीं बजाने पर बंसुरी नहीं बजती है। जैसे गैया है,
गैया को जब हांग करके ले जाएंगे तब गैया चलेगी, नहीं तो वो चलेगी नहीं। इसको कहते हैं शांत रस है, लेकिन उसको ऊपर का जो रस है कहते दास्य रस है। बोले दास्य रस में क्या है? बोले दास्य रस में अपने आप जो करते हैं, जो शांत रस में कृष्ण जब करवाते हैं वो करते हैं, लेकिन दास्य क्या है? ये अपने आप भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए दास्य रस में उसमें दो उसमें रस है दास्य में, तो एक तो शांत है और एक दास्य। कहते उसको ऊपर में कहते सख्य रस है। बोले सख्य रस में कहते उससे भी श्रेष्ठ ये सख्य रस है, हैं? कहते ये सख्य रस में कहते दास्य रस में यहाँ पर तो भगवान थे बड़े और भक्त थे छोटे, लेकिन जब सख्य रस आता है ना ये दोनों बराबर हो जाता है। इसलिए कभी कभी सखा लोग कृष्ण को कहते हैं तुम ही कौन बड़े लोग तुम यामी सम। बोले तुम किस चीज के बड़े हो? जब श्रीराम के साथ में कभी कृष्ण जब कभी कुश्ती लड़ते थे उनको पछाड़ देते थे, हैं? कृष्ण को पछाड़ देते, बोले घोड़ा बैल है उसको छाती के ऊपर बैठ जाते थे, कृष्ण की छाती के ऊपर में कहते हैं तुमको मैंने हरा दिया है, तुमको मैंने हरा दिया। इसलिए बोले बताओ तुम्हारी पिताजी का कितने गैया है? बोले मेरे पिताजी की 9 लाख गैया है। बोले जानते हो मेरे पिताजी की 11 लाख गैया है, 11 लाख गैया है, और तेरे को तुम्हें पछाड़ देता हूँ, तुम किस चीज के बड़े हो, तुम जिस किस चीज की बड़े। यहाँ पर क्या है, भक्त और भगवान यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, लेकिन जब उसको ऊपर जाते हैं बात्सल्य रस में, बात्सल्य रस में भगवान छोटे हो जाते हैं और भक्त बड़ा हो जाता है। जैसे मैया जसोदा क्या मानती है, कृष्ण मेरे लाला है, मैं नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण, अगर कभी कृष्ण कभी गड़बड़ करे कभी मक्खन चोरी करे मैया डांट लगाती है, कहना तेने मक्खन चोरी की, कृष्ण डर जाते हैं, बोले मैया मैया मोरी मैंने मक्खन खायो। यहाँ पर मैया की डर के मारे झूठ बोल देती है, बोले मैया मैंने मक्खन नहीं खाई। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर भक्त हो जाते हैं बड़े और भगवान हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब उसको ऊपर जाते हैं ना, जहाँ पर उसको ऊपर जाते हैं, जहाँ पर कृष्ण सब जगह में कृष्ण डीग हांकते हुए आते हैं, क्या डीग हांकते हैं, अभिमान करते हैं, ये जथा माम प्रबदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे को जैसे भजन करता है मैं उसको ठीक वैसे ही मैं भजन करता हूँ। लेकिन कृष्ण आकर के अपना प्रतिज्ञा को कहाँ पर अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण जब रासों में आते हैं ब्रज गोपियों के साथ में जब कृष्ण रास करते हैं वहां पर अपना प्रतिज्ञा को कृष्ण तोड़ देते हैं। क्या तोड़ देते हैं? कहते ना पर अहम निरबद्ध संजुजाम स्वसाधु कृत विबुधाई वसा विव। कहते हे ब्रज गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी मैं कभी तुम्हारी उरिणी हो ही नहीं सकता हूं, हैं? क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए भाई बंधु पुत्र परिवार दुनियादारी सब लोगों को तुम लोगों ने मेरे लिए त्याग दिए हो, इसलिए मैं कभी तुम्हारी ऋणी से कभी ऋणी नहीं बन सकता हूँ। इसलिए कृष्ण जहाँ पर अपना कृष्ण एक उदाहरण देकर समझाए, कहते कोई एक पहले सब जगह में डीग हांकता था, बोले आओ कोई हो तो मेरे साथ में दो हाथ जूते करने वाले सब जगह में जा जा करके और डीग हांकता था। जहाँ एक सर है कहीं सवा सर मिल जाती, हम लोग समझ रहे हो एक सर और सवा सर, जहाँ एक सर है ना कहीं सवा सर मिल जाते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए जहाँ एक सर कभी सवा सर मिल जाते हैं, सवा सर मतलब जो जहाँ एक सर है उसने कभी ना कभी उससे कभी बड़े व्यक्ति भी मिल जाते हैं, कोई सवा सर वाले मिल गए और डीग हांक रहा था आओ कोई हो तो मेरे साथ में दो हाथ कर लो, लेकिन जो सवा सेरे वाले कहीं मिल गए बोले आओ मेरे साथ में युद्ध करो,
वो युद्ध क्या करेगा, केवल हाथ में मिलाए। अब देखना जब लड़की कुश्ती करते ना, पहले हाथ में मिलाते, हाथ में हाथ मिलाए ना, जो सवा सर वाला था अपने हाथ को ऐसे दबा दिए और दबा करके एक झटका मारे तो उसको एकदम प्यार को नीचे गिर गया है। बोले भैया तेरे साथ में मैं पार नहीं पाऊंगा, हाँ तेरे साथ में मैं तेरा पार नहीं पाऊंगा, मैं तो हार गया, हाँ लड़ने से पहले हार जाता है। कहते यहाँ पर एक सर वाले कौन है, बोले कृष्ण। ये सब जगह में अपना अभिमान करते, दी घाटते थे, हैं ये जथा माम प्रबद्धते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे उपासना करता है मैं ठीक उसके अनुरूप उसको मैं प्रेम प्रदान करता हूँ। कहते ये गोपियां क्या है, बोले गोपियां सवासर वाले। जब सवासर को पास गोपियों ऐसे कृष्ण को प्रेम किया, उनकी भक्ति इतने हैं, ऐसे श्रृंगार रस की जो भक्ति है, जो कृष्ण को संपूर्ण रूप में जो बसीभूत करने वाले, उनने जब उनकी भक्तियों को देखा है ना, कृष्ण कहते भैया न पा रहे हम, न पा रहे हम, मतलब ये गोपियां तुम्हारी पा सकता हूँ, अगर ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी मैं तुम्हारी कभी ऋण में चुका नहीं सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी कहते कहते जो उन्नत उज्जवल जो रस है वो क्या है, श्रृंगार रस जस्याताम। उन्होंने ब्रह्मा पहले उन्होंने वो प्रेम को उन्होंने प्रदान किया, इसलिए दिया था, लेकिन इतना दिन पहले उन्होंने दिया था। लेकिन महाप्रभु क्या किया, फिर जब ब्रह्मा का एक दिन को बाद में आए तो फिर उसी प्रेम को उन्होंने प्रदान किया। स्वभक्ति, स्वभक्ति उनका कौन है, भले स्वभक्ति अपना भक्ति श्री कहती है श्रीमती राधा राय, कहते उन्होंने राधा कहते उसका जो शोभा है, जो सौंदर्य है, कहते वह चीज को उन्होंने प्रदान किया है। कहते हैं कहते वह चीज लता स्वरूपिणी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। लेकिन अगर वो लता में पत्ते आ जाए तो बोले वो भी और सुंदर दिखते हैं, लता में अगर पत्ता आ जाए। कहते अपना परिचय क्या देंगे, बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति हार नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति हार नाही मोर। कालिंदीर कोले कदंबीर बन रतन बेदीर ऊपर बसब दुजन श्याम गौरी अंगे दिव चुआ चंदनी रगंध सामर डोलाब करे चंद्र। अगर श्री ललिता विशाखा को पूछा जाए तो क्या परिचय देंगे, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। देखो जो भक्ति जगत में ना जो दास शब्द है, साधारण जगत में दास मतलब होता है नौकरी करना, किसकी नौकरी करना, दास शब्दों को छोटा माना जाता है। लेकिन भक्ति जगत में दास शब्द है बोले ना आगह है मुक्त, ता पर है सर्व बंधनास, ता पर है ते बारे के वो कृष्ण दासेर दास। भक्ति जगत में जो जास शब्द है, जो सेवा शब्द है, ये सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु जगत में कृष्ण क्यों राधा रानी के भाव अंकांत लेकर के आए, कारण क्या, कारण यही था कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी मुझे प्रेम करती हैं, मैं भी राधा जी को प्रेम करता हूँ, लेकिन राधा जी के अंदर में राधा रानी मेरे को प्रेम करके उनके अंदर में जो आनंद, कितने गुण बोले करोड़ों गुण ज्यादा आनंद, एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, दस नहीं, सौ गुण नहीं, मुझे जो आनंद की प्राप्ति होता है उससे करोड़ों गुण राधा रानी का आनंद प्राप्त होता है। कहते वो चीज है क्या चीज,
जरूर राधा रानी का प्रेम में कोई बात है, कोई विशेष चीज है, है? इसलिए कहते हैं कृष्ण में जो आनंद है, कृष्ण में जो आनंद है वो कृष्ण जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला अभी रसगुल्ला को जो खाता है उनको पता भैया रसगुल्ला में क्या आनंद है, इसलिए रसगुल्ला कौन है, कृष्ण स्वरूप वो कौन है, रस वैसा रसम जवायाम लब्धानंद भवती, कृष्ण वो कृष्ण है, वो रस स्वरूप कृष्ण है, लेकिन उनको कृष्ण रस को प्रेम को कौन पूर्ण रूप में आस्वादन करती है, बोले श्रीमती राधा रानी, इसलिए उसे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद। अभी अगर ललिता मिश्रा को पूछा जाए भैया तुम कौन हो, बोले राधा कृष्ण प्राण और जुगल किशोर, राधा रानी में जो प्रेम है कहते वो प्रेम को कौन आस्वादन करती है, उनको सेवा कौन करती है, उनको आनंद मिलेगा, कहते वो आनंद को ये सखियां आनंद को प्राप्त करती है। कहते अगर श्री को बुला जाए भैया तुम कौन हो, तुम कौन हो, वो क्या बोलेंगे हैं, वो बोलेंगे हम श्री ललिता के अनुगत में श्री जुगल सरकार की हम सेवा करने वाले, मतलब है कहते इनका जो सारे आनंद किसको प्राप्त हुआ, श्री रूप मंजरी को, रूप मंजरी को प्राप्त हुई। कद अगर श्री भक्ति विनोद ठाकुर को पूछेंगे, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को पूछेंगे भैया तुम कौन हो, क्या बोलेंगे, बोले इनकी सबके सबका सेविका में, ये सबका जो सेवा है हमें सबका सेवा प्राप्त है। अगर श्री नरोत्तम दास ठाकुर को पूछेंगे, श्री नरोत्तम श्यामानंद को पूछेंगे, श्री भक्ति विनोद ठाकुर को क्या बोलेंगे, कद ये जितने हैं ये सबके सेवा बाद को पूछेंगे, सबका सेविका कहते हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, बोले ये सबका सबका सेवक का मैं हूँ। और श्री हमारे भक्ति वेद नारायण गोस्वामी इनको पूछेंगे भैया तुम कौन हो, बोले ये सबका सबका सेवक मैं हूँ, बोले ये सबका जो सेवा का जो आनंद है, इनका सबका जो रस है जो नीचे, इसलिए कहते हैं गोपी पद कमले हो दास दासानुदास, इसलिए गोपी भरतो कहते गोपी भरतो पद कमले हो दास दास दासानो, इसलिए श्री मित्रासुर क्या बोलते हैं, अहम हरे तव पाद ही कमोलम दासानुदास भवितास में हो, यहाँ पर भी कहते दासानुदास तोद भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति स्मरमाम लोकनाथ, कहते प्रभु मेरे को आप अपना दासों का दास मानो, इसलिए घर में भी देख लेना, घर में लिख लेना, जैसे कहीं बाहर गए यात्रा देखने के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन जब वापस आते हैं किसके लिए लेकर के आते हैं, क्या चीज, घर में जो सबसे छोटा बच्चा होगा, सबसे घर में छोटा बच्चा होगा ना जरूर उसके लिए जाते ही आएगा, बाबा मेरे लिए क्या लाए हो, दादा मेरे लिए क्या लाए हो, देखना घर में भी सबसे अगर किसको ज्यादा प्यार करते हैं, किसको प्यार करते हैं, जो व्यक्ति घर में सबसे छोटा होगा, बड़ों को कोई नहीं पूछता है, बड़ों का सेवा करने के लिए आए हैं। एक उदाहरण देते हैं, देखना जैसे जो 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 विषय जो विषय विग्रह है उससे ज्यादा आनंद आशय विग्रह में, पत्नी ने उसे घर में बनाया, बड़े शौक से बनाया, लेकिन जब उन्होंने पति को खाना खिलाया, पति ने खूब अंगुल को चाट चाट कर खूब खाए हैं, थाला को एकदम चाट चाट कर खाए और इतने खुश हुए, बोले पंचो मुंह से उन्होंने भरना क्या तुमने सब्जी बनाया, लगता है अंगुल काट कर खा जाए, इतने सुंदर सब्जी बनाया। आप देखना खाने वालों को जितने आनंद मिलेगा, जो बनाने वाले है ना, जो बनाने वाले जो उसकी तारीफ करेंगे ना, उससे भी ज्यादा आनंद बनाने वाला, आज बनाना हमारी धन्य हो गया, बनाना हमारी सार्थकता हो गया, इतने खुश हो जाएंगे। इसलिए नियम है जब कोई विशेष कोई खाना बनता है मंदिर में, प्रसाद बनता है ना, जो बनाने वालों को थोड़ा प्रशंसा करनी चाहिए, फिर वो क्या करेगा, वो और भी बढ़िया से बनाएंगे, नहीं और कोशिश करेंगे और बढ़िया करेंगे हम प्रसाद बनाए, सब लोग चाहते है ना, है सब लोग चाहते। इसलिए यहाँ पर कहते जो जो दासी भावना है,
इसलिए सखाय तम में नमस्त नमस्त नित्यम दासाय तम रसस्तु रसस्तु सत्यम, के जो दासी जो सखी पद को मैं दूर से प्रणाम करता हूँ, लेकिन हमें जो दासी पद है इसी दासी पद में ही हमारी निष्ठा रहे। इसलिए कहते महाप्रभु है, कहते महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के क्या देते हैं, कहते ये मंजरी भावों को प्रदान करते हैं। कहते भैया मंजरी भाव क्या चीज है, कहते ये मंजरी भाव क्या है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जिसका नाम है विलाप कुसुमाजलि, क्या नाम है, क्या नाम है, कहते जिस समय वो रहते थे राधा कुंड में, जैसे हम ठाकुर जी के चरण में एक एक पुष्प देते हैं ना, तो उन्होंने उसी तरह उन्होंने एक एक श्लोक को विलाप, विलाप मतलब राधा रानी के प्रेम में रो रो करके है, उनकी विरह में रो रो करके उन्होंने एक एक श्लोक को उन्होंने एक एक फूल रूप में श्री राधा रानी की चरण में प्रदान किया है। इसलिए वो ग्रंथ का नाम है विलाप कुसुमाजलि। इसलिए ये विलाप कुसुमाजलि हमारे संप्रदाय में एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसी ग्रंथ में जो कहते जो मंजरी भाव है महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जो देने के लिए आए, मंजरी भाव कहते किसको है, क्या चीज उसमें, तो उन्होंने उसी ग्रंथ में उन्होंने बड़े सुंदर रूप में श्लोकों के माध्यम से उन्होंने बड़े सुंदर रूप में उन्होंने उस चीज को वर्णना किया है। इसलिए कृष्ण की विशेष कर पांच तरह का सखियां, उसमें भी तीन तरह का तटस्थ सुपक्ष और विपक्ष है। कहते जो है, कहते जो तटस्थ है कहते वो राधा रानी को भी प्रेम करते हैं, कृष्ण को भी प्रेम करते हैं। कहते विपक्ष कौन है, बोले जो केवल कृष्ण को ही प्रेम करते हैं। कहते सुपक्ष कौन है, कहते सुपक्ष हुए हैं जो राधा रानी के सुख में सुखी और राधा रानी के दुख में जो दुखी है, कहते ये राधा रानी के पक्ष है। अगर कृष्ण राधा रानी कभी पासा खेल रहे हैं ना, अगर कृष्ण जीत गए इनका मुंह सूख जाता है, लेकिन अगर राधा रानी अगर जीत गए ना हो एकदम प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर के ताली बजाना शुरू कर देते, हमारी किशोरी की जय जयकार हो गया। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं पहले राधा पद छाड़ी, हाँ जब राधा पद छाड़ी जे जन सजन जे भावे से भावे थाके, आमी तो राधिका पक्ष पादी सदा कभू नाही हरी ताके। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा पद छाड़ी जे जन, जो लोग राधा रानी की चरण की सेवा को छोड़ कर की है, भले ही जिस भाव में रहना रहे, लेकिन मैं कौन हूँ, आमी तो राधिका पक्ष पाती सदा कभो नाही हरी ताके। मैं कौन हूँ, कहते मैं तो श्री पक्ष किसका लेने वाला हूँ, पक्ष में लेने वाले हूँ, लेकिन कभो नाही हरी ताके, जो राधा रानी की पद को छोड़ करके राधा रानी की चरण को छोड़ करके जो दूसरे तरफ में जाते हैं, मैं कभी उनको तरफ में नहीं देखती हूँ। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं राधिकार दासी जदि होय अभिमान शीघ्र मिलई नद मागे चरण। इसलिए कहते राधिकार दासी जदि होय अभिमान शीघ्र मिलई तबे गोकुल का। कृष्ण किसको जल्दी से जल्दी मिलते हैं, बोले कृष्ण उनको जल्दी से जल्दी मिलते हैं जिसका अंदर में ये अभिमान आता है, मैं राधा रानी की दासी हूँ, राधा रानी की दासी हूँ। इसलिए हम लोग जब हरि नाम करते हैं ना, पहले क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम सबसे पहले हरे, हरे मतलब श्री राधिके श्री राधा रानी, हरे कृष्ण इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहते स्व भक्ति श्रियम समर्पयितुम सम्यक दातुम कलो
करुणया अवतीर्ण कृपया प्रपंच गत। इसलिए भगवान कृपा करके हैं, कहते भगवान कृपा करके इसी कलयुग में आए। बोले किस लिए आए? बोले समर्पयितुम सम्यक दातुम, मतलब पूर्ण रूप में वो राधा रानी की चरण की सेवा को देने के लिए, राधा रानी की निकुंज की सेवा को देने के लिए हैं। इसलिए उन्होंने विशेष करके कलयुग में आए। इसलिए गुरुदेव का जो स्वरूप है, कहते दो रूप में गुरु जी का स्वरूप को हम मानते हैं। दो रूप क्या है? एक तो नित्यानंद प्रभु अभिन्न स्वरूप, नित्यानंद अभिन्न स्वरूप, और दूसरा स्वरूप क्या है? बोले निकुंज जो न रतिकेल सिद्धई जाजाल भी युक्तिर अपेक्षणिया तत्रादि दाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव को एक तो नित्यानंद प्रभु अभिन्न स्वरूप और दूसरा स्वरूप है राधा रानी की सेवा को, जो निकुंज में है, निकुंज में निकुंज जून रति के लिए सिद्धई जाजाली भी जो तिरक प्रेक्षणिया, जो राधा रानी को सेवा निकुंज सेवा में जो अत्यंत अत्यंत जो निपुण है, ऐसे श्री गुरुदेव को चरणों को हम वंदना करते हैं। इसलिए कहते सम्यक रूप में धातु, मतलब कहते वो जो राधा रानी की सेवा को पूर्ण रूप में देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में कहते कलहु करुणयावतीर्ण कलहु कृपया प्रपंचागत। इसलिए कृपा करके उन्होंने जगत में आए। लेकिन जब आए कहते हरि ही पुरट सुंदर दूती कदम संदीपित सुवर्ण जसो कांति पुंजेन सम्यक प्रकाशित ज सह। कहते कलयुग में जब आए उन्होंने कैसे आए? बोले राधा रानी की अंग कांति और श्री भाव को लेकर के आए हैं। बोले क्यों उनके अंग कांति भाव को क्यों लेकर आए? कारण क्या है? बोले कारण है कि अगर मैं भगवान का जितने सारे अवतार तक सब काले, सबके सब काले हैं, केवल एक ही अवतार है जो गौर हरि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, केवल गौर जो वर्ण है श्री महाप्रभु। बोले अगर मेरे को काला रूप रहेगा ना, मेरे को तो वही याद रहेगा, मैं वही कृष्ण हूँ। लेकिन मैं संपूर्ण रूप में भूल जाना चाहता हूँ मैं कृष्ण हूँ, मैं ये स्मरण करना चाहता मैं श्री राधा रानी, मैं श्री राधा रानी। इसलिए उन्होंने फिर से राधा रानी का अंग कांति लेकर के आए, और दूसरे में कहते राधा रानी हाँ कृष्ण को उन्होंने आलिंगन कर लिया। कहते अंत कृष्ण बहिर् गौरव, वो अंदर में तो कृष्ण लेकिन बाहर में गौरव। बोले कारण क्या? बोले कारण ये है, अभी राधा रानी सोच रही हैं, अभी श्री श्याम सुंदर हैं, श्याम सुंदर जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में कभी हैं दीवानी बनकर कभी राधा रानी पछाड़ खाकर गिरती थी, जब पछाड़ खाकर गिरती थी राधा रानी को बड़े कष्ट होता था। इसलिए कहते अभी श्री श्याम सुंदर अभी मेरे भाव में जाएंगे, कभी कभी महाप्रभु पछाड़ भी खाएंगे। जब पछाड़ खाएंगे, अभी कृष्ण का शरीर कितना कोमल है, कृष्ण का शरीर मक्खन से भी कोमल है। इसलिए गोपी गीत में कहते हैं ना, क्या श्लोक है, जत्ते सुदात सुजात चरण बुरुहम स्तने सु बीता सने प्रिय दधि मही कर्क से सु तेना टबी मटसि तत व्यतते किंचित कृपा बुद्धि। क्या कृपा? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण कहते रासव में ये गोपी गीत का लास्ट श्लोक है, हैं गोपी गीत का ये लास्ट श्लोक है। जब गोपियों ने गोपी गीत गाए, जब उनने ये श्लोकों को गाए ना गोपिया, तो कृष्ण रह नहीं सके, कृष्ण को वहां प्रकट होना पड़ा। बोले क्यों कृष्ण को प्रकट होना पड़ा? उस समय गोपियां रो रो कर कह रहे हैं, बोले हे श्याम सुंदर, तुम्हारी चरण कमल कितने कोमल है, तुम्हारी चरण कितने कोमल है, इतने कोमल तुम्हारी चरण, हमारे जो बक्ष स्थल के ऊपर में है, हमारे जो बक्ष स्थल कठोर है, हम तो अपना बक्ष स्थल के ऊपर में तुम्हारी चरण को रखने के लिए भी हमको लगता है कृष्ण के चरण को कितना कष्ट पहुंचेगा। लेकिन वह चरण को अभी तुम क्या कर रहे हो? अटसी
जन्म अभी कहाँ कहाँ वृंदावन में तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो, नुकले नुकले पत्थर वहां पर, कंकड़ पर वहां पर कांटा होगा है, और तुम क्या कर रहे हो, और उसमें तुम क्या कर रहे, गैया को पीछे पीछे अभी तुम घूम रहे हो, गैया को पीछे पीछे तुमको कितने कष्ट होगा। इसलिए तुम्हारी कष्टों को सोच सोच करके ना हमारी बुद्धि तो भ्रमित हो रहा है, कितने कष्ट होगा तुमको, कितने कष्ट होता होगा। जो उन्होंने ये गीत को गाए ना, ये श्लोकों को, फिर तो कृष्ण रह नहीं सके, यानी कि व्याकुलता देख करके कृष्ण को प्रकट होना ही पड़ा, कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। इसलिए कृष्ण का शरीर इतने कोमल है, जहां पर कृष्ण अपना बक्खर चरणों को रखने के लिए उनको कष्ट होता था, उनको कष्ट होता था। इसलिए अभी राधा रानी सोच रही है कृष्ण जब पछाड़ खा कर गिरेंगे तो उनको कितना कष्ट नहीं होगा, इसलिए क्या करूंगा मैं, कृष्ण को मैं आलिंगन करके रहूंगी, जब कृष्ण गिरेंगे जो कष्ट है वो मेरे शरीर में आए, कृष्ण को शरीर में ये कष्ट नहीं आनी चाहिए। इसलिए राधा रानी किया कि कृष्ण को उन्होंने आलिंगन करके है, आलिंगन करके रखे, इसलिए अंत कृष्ण बहिर्गौर। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कद हरी पुरड सुंदर दुति कट कदम्ब संदीपित श्रद्धा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदना। यहाँ पर उदाहरण देते हैं हृदय कंदरा है, कहते हैं कंदरा क्या होता है, कंदरा में अक्षर करके अंधकार रहता है, कंदरा में अंधकार रहता है। ये उदाहरण देते हैं हमारे जो हृदय कंदरा में है, हृदय कंदरा में क्या हो, लेकिन स्फुरतु व सचिनंदन, कहते हैं इसमें क्या हो, सचिनंदन गौर हरी की स्फूर्ति प्राप्त हो। बोले उनने सचिनंदन क्यों बोले, कारण क्या, स्फुरतु व सचिनंदन, हमारे हृदय में सचिनंदन गौर हरि ही स्फूर्ति प्राप्त हो। बोले कारण क्या, बोले कारण है कहते अगर माँ की गुण अगर बेटे को अंदर में आता है, कहते वो बेटे को बड़ा सौभाग्यवान माना जाता है, अगर पिताजी का गुण अगर बेटी को अंदर में आए तो वो बेटी को बड़ा सौभाग्यवत, बेटे बेटा को बड़ा सौभाग्यवान माना जाता है। इसलिए यहां पर उनने सचिनंदन नाम लिया। बोले क्यों, बोले इसलिए नाम लिया जो सच्ची मैया, मैया जसोदा से भी सच्ची मैया की ज्यादा महत्व है। बोले क्यों, तो उन्हें उदाहरण दिया जब कृष्ण मक्खन चोरी की, जब मटकी उन्होंने फोड़ी, मैया जसोदा ने किया कि उनको उखल में बांध दी, उनको उखल में बांध दी, जब उखल में बांध दी उस समय कहते हैं ना नामामेश्वरम सचिदानंद रूपम लासत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदा प्रिया लोक लाभ धाब माम परामृष्ट मात तथा द्रोत गोप्या रोदंत मोहर नेत्र जोगमां प्रिजान्तं कराम्भज जोगमेना सातंतनेत्र मोर्दाम्भ त्रिरेखांत कांत स्थितामो तरंग भक्ति अनामामेश्वर सचिदानंद रूप लसत कुंडल गोकुले ब्राजमान। बोले रुदंत मोह नेत्र जुग्मं ब्रजंतम कीन सातंक नेत्रम, जिस समय को है जाकर पकड़ लिए, जब पकड़ लिए बोले चोर है, अभी तक दूसरे दूसरे घर में मटकी फोड़ता था, आज अपना घर में तुमने मटकी फोड़ी, ये मेरी सास का समय की मटकी थी, और कितने घी पी पी करके कितना मजबूत हो गया था, तुमने तोड़ दिया है, तुमने तोड़ दिया, आज तुमको मैं दंड तेरे को दे करके मैं रहूंगी। जब कृष्ण को पकड़ लिए उस समय कृष्ण श्वास कंप त्रिरेखांक कट, उस समय कृष्ण कृष्ण
सिसक सिसक करके रो रहे थे, गले में त्रिवली पड़ा हुआ है और सात अंग नेत्रम, मैया मेरे को मारना नहीं, मैया मेरे को मारना नहीं, तो फेंक दे। बोले तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को पूजूंगी, हैं, तेरे को थोड़ी मारूंगी, आज तेरे को मैं पूजूंगी। इसलिए सात अंग नेत्रम और आंखों में मैया जैसा काजल लगा कर रखी थी, मोटी मोटी काजल। कृष्ण क्या करते हैं, मृजंतम पुनः पुनः उसको हाथ को जब घिस रहे थे, काजल मिश्रित अश्रु, दोनों आंखों से काजल मिश्रित अश्रु विसर्जन हो रहा था, मानो इनके हृदय में गंगा जमुना की धारा बह रही थी, हैं, धारा बह रही थी। कहते ऐसे जो कृष्ण बड़ी जो डरे हुए, जो कृष्ण डरे हुए हैं, ऐसे कृष्ण को चरणों को प्रणाम करते। इसलिए यहाँ